हेलो गाइस, अब आते हैं थोड़ा सा लेवल 1 के क्वेश्चंस बना देते हैं, ओके okay? क्योंकि थोड़ा सा ये भी जरूरी है। रेलवे वैगन ऑफ मास इतना केजी इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 35 क्वेश्चन नंबर है लेवल 1 का, पेज नंबर 3.33, ठीक है, पियर्सन क्लास 8 IIT फाउंडेशन। तो मास बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 kg, ओके okay? और फोर्स बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, एफ अपॉन एम, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, तो 10,000 अपॉन 1000 kg, ये कर जाएगा 10 m/s². गाइस ये एम के सब एम के यूनिट में है, न्यूटन के जी, तो ये एम के यूनिट में है m/s², ठीक है। तो ये हमारा आंसर गया, तो उस रेलवे वैगन का एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 m/s². सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमारा सेंटर ऑफ मास से ले लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना ईच साइड ऑफ विच मेजर 9√3 cm। तो ईच साइड का मेजर सेम है, ठीक है, 9√3 cm। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा ट्रायंगुलर लेमिना होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना ये सॉलिड होता है, ठीक है, तो ये सब 60 डिग्री होगा क्योंकि लेफ्ट ट्रायंगल होगा। अब आपको पता है कि ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंट्रल ग्रेविटी होता है वो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तीनों एंगल बाइसेक्टर, ठीक है गाइस, एंगल बाइसेक्टर या आप जो एल्टीट्यूड होता है, तीनों एल्टीट्यूड, ठीक है गाइस, तीनों एल्टीट्यूड हर वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एल्टीट्यूड होता है और इस अथी में बंद कर। सो गाइस अब एक प्रॉपर्टी में बताता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ा सा, बस 30 सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड्स तीन होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स तीन होते हैं और मीडियंस ये भी तीन होते हैं, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ये तीनों सेंट्रोइड पे मिलते हैं, सेंट्रोइड पे, ठीक है, तो वही मैंने ये एक एल्टीट्यूड को लिया, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है गाइस, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ये तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री, और ये जो आपका ये कितना दूरी हो गया, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है आपको पता है कि इस ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड से 90 डिग्री का हम लोग अथी बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं, तो वो इस साइड को दो भाग में बांटता है, तो कितना हो जाएगा, 9√3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आधा हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में आधा आधा बांट देता है अपोजिट साइड के अथी को, लेंथ को। तो अब हमको ये चाहिए, ये चीज चाहिए है ना, ये क्योंकि यही सेंट्रोइड है, ठीक है, दिख रहा है, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को ऐसे जी से डिनोट करते हैं सर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए टैन पढ़े, टैन थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टैन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो जाएगा, 9√3/2 हो जाएगा, टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है गाइस, ठीक है, बराबर 2p/9√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 cm बराबर 4.5 cm, यानी कि इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस ट्रायंगल इस अधिक है, इस बीसी साइड के इसके जो भी हो इसके बेस से अपना 4.5 cm ऊंचाई पे होगा, यहाँ पर होगा, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट पर भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट पर भी दिखा सकते हो ऐसे, यहाँ 0.0 हो गया ओरिजिन, और गाइस ये आपका, तो फिर ये ऐसे ट्रायंगल हो गया, ये एक्स, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया,
तो ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो इसका हमारा ऊंचाई तुमको पता है, तो ऊंचाई ही ना वाई वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है और एक्स भी पता है, तो इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा? 9√3/2, क्योंकि ये आधा पर है, तो इसका एक्स यहाँ पर ये हो गया और वाई 9√3/2 कॉमा कितना हो जाएगा? 9/2 ये हो जाएगा इसका, कितना लिखा? 9√3/9/2 यहाँ पर सेंट्रोइड होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखा मैंने? 9√3/2, 9/2, ठीक है। हालांकि बेस से 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होगा परपेंडिकुलरली, ये चीज आप देख लो। तो ये आप फिर से देख सकते हो, इसको बहुत अच्छा से मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको बना सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ये सब। और अब ये बस एक क्वेश्चन बचा है अंतिम, और इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मतलब लेवल वन का ही है। यहाँ पर देखिए क्या है, 61 क्वेश्चन नंबर है। अ कार चेंजेस इस स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर ऑफ मास इतना इन 5 सेकंड, डिटरमाइन द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द कार। कार पर बाहरी बल कितना लगा कि कार का स्पीड 20 से 50 हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द बॉडी एंड द मूवमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो गाइस 61 को हम लोग बना देते हैं। ये लेवल टू ऐसे दिया हुआ है, तो लेवल टू दिया हुआ है, तो गाइस 61 को हम लोग देखते हैं लेवल टू, ठीक है। और ये 3.38 है पेज नंबर, ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल कितना दिया हुआ है कार का गाइस? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको बाद में हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर जैसी दिखे घंटी बजना चाहिए, लाल घंटी। वी इनिशियल क्या दिया हुआ है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस और मास कितना दिया हुआ है कार का? कितना दिया हुआ है? 3600 kg में दिया है, चलिए ठीक है ठीक है। और t इक्वल टू कितना? डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक है। इतना ही टाइम में ना 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इसका चेंज हुआ। तो गाइस फोर्स बराबर न्यूटन सेकंड लॉ होता है, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को ही तो लिखते हैं v - u/t, मतलब यही होता है ना, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m इंटू वी फाइनल क्या है? 50 - 20/t, ठीक है गाइस। अब ये जो भी आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा 30, तो हम लोग यहाँ पर अब मास को 3600 लिख दीजिए, और ये 30/5, लेकिन ये 30 किस में है? किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, पढ़े ना आप लोग कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल, और 18 × 2 = 36 होता है, 2 और 2 0 = 2 0 हो गया, तो कितना हो गया फोर्सेस पर कितना लगा? 3 × 3 = 6 0 0 0, तो कितना हो गया? 6000 न्यूटन, या और 6 × 10³ N। तो कार पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया गाइस? कार पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इतना लगा है, 6 × 10³ N। तो गाइस ये मतलब अंतिम है डायनेमिक्स का। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे आगे, 9th का पियर्सन आएगा, ठीक है, 10th का आएगा, तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं। बट वही है कि ये हमारा 8th में आपको अब जो भी दिक्कत होगा इसमें आप इसमें बताइएगा जरूर, कमेंट करिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।